सौभाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे राजस्थानी सिनेमा की। आज एक दूसरे को देख के हम सुहाते नहीं है, क्या ये आदमी क्या कर रहा है, ये आदमी कैसे कर रहा है, सिवाय हम टांग खिंचाए कि हमारे राजस्थानी सिनेमा में कुछ भी नहीं आता है। कि राजस्थानी सिनेमा एक अच्छा सिनेमा हो सकता था, लेकिन यहाँ सिवाय चापलूसी, समझागिरी, एक दूसरे की टांग खिंचाई, इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक दारू की बोतल खुलती है, बीच में दो लड़कियां बैठती है, यहाँ आके सिनेमा खत्म होता है। ये कटु सत्य है हमारा राजस्थानी सिनेमा का। अदर स्टेट के अंदर आज जितने सिनेमा है, चाहे गुजराती हो, चाहे राजस्थानी के अलावा मराठी हो, भोजपुरी हो, क्यों है? क्योंकि वहाँ छोटा सा छोटा टेक्नीशियन से लेके छोटा सा छोटा एक कलाकार भी वहाँ तन मन से खड़ा होता है। लेकिन हमारे राजस्थानी सिनेमा में, अरे भाई काम कर लिया तो प्रोड्यूसर का काम है, हमारा थोड़ी। अरे भाई, जब एक प्रोड्यूसर खड़ा होगा तो ये तो सिनेमा चलेगा भाई। आप में इतना मादा है कि आप पैसा लगाएं वो सिनेमा को यहाँ तक लेकर आ सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं होता। ये एक जिगरा सिर्फ प्रोड्यूसर को होता है, तो वो जिगरा और किसी को नहीं देता ईश्वर, और उस जिगरे पे वो खेल खेलता है। लेकिन अफसोस, हमारे यहाँ के लोग, चाहे डायरेक्टर, चाहे एडिटर, चाहे टेक्नीशियन, चाहे कलाकार, सब उदासीनता के शिकार इसलिए हैं क्योंकि कमियां हम में है, किसी और में नहीं है। कि भाई हमारी कमियां हमें सुधारनी है। मैं भी तुम्हीं लोगों में से निकला हुआ एक हिस्सा हूँ। आज लोग मेरे को क्या कहते हैं, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ काम आता है, जैसा भी आता है। लोग ये कहते हैं कि भाई कचरा फिल्म, हाँ बनाता हूँ कचरा फिल्म है, लेकिन कचरा फिल्म में ऊपर वाला इज्जत रखता है। आपकी तो अच्छी फिल्म है, चला के दिखाओ ना यार। साथ साथ मैं चुनौती देता हूँ लोगों को कि अगर तुम्हें इतना मादा है, तो मैं जब कचरा फिल्म में चला गया तो आपकी साफ सुथरी फिल्म को तो सुपर हिट करके दिखाओ। ये बड़े बड़े लोग, उनकी कहानियाँ हैं, नाम नहीं बताऊँगा, अंडरस्टूड है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक आदमी प्रयास कर रहा है तो उसका उस हौसले को सलाम करना चाहिए, उस आदमी की हौसला अफजाई करना चाहिए, उस प्रोड्यूसर कांधे से कांधे खड़े होकर उसकी मदद करना चाहिए, ना कि हमें पीठ मोड़ के वहाँ से दूर जाना चाहिए। आज एक फिल्म चलती है, एक टेक्नीशियन से लेके कलाकार, सबसे ज़्यादा फायदा कलाकार को होता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, यहाँ के जो कलाकार हैं वो ये कहते हैं साहब घर में बैठे, लेकिन उनको बुला दिया, अरे सर आप तो वहाँ बिजी हूँ, मालूम चला घर में पड़ा हुआ है, काम के नाम पे एकदम उदासीनता का शिकार होकर पड़े हुए हैं, काम को काम ही नहीं समझते। वो देखते भाई मैं तो बहुत बड़ा आ रहा हूँ तेरे। आज मैं कहता हूँ कि किसी कलाकार को आदमी लेता है तो भाई तेरे नाम से फिल्म चलती है क्या, तो मैं तुझे लेता हूँ ला हीरो। आज आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है कि साहब ऐसा हूँ मैं। आदमी की आइडेंटिटी राजस्थानी सिनेमा में किसी की नहीं है, सिर्फ तीन आदमी की आइडेंटिटी बनी थी जो आज भी लोग जानते हैं, रमेश तिवारी जी, नीलू जी और शिरीष कुमार, और चौथा नाम सतीश जी का हम ले सकते हैं, बट मुझे अभी तक किसी की पहचान नज़र नहीं आ रही है, और वो भी धूमिल हो चुकी है। हम ये चाहते हैं कि हमारे में से किसी एक स्टारडम का एक करेक्टर तो खड़ा हो जिसके नाम से पब्लिक खड़ी होती है, जिसके नाम से स्टारडम खड़ा होता है, जिसके नाम से मीडिया कहती है कि नहीं यार ये आदमी है। मैं नहीं कहता मैं हूँ, मैं तो कहता बहुत छोटा सा तना सा एक कोशिश करने वाला, एक जरिया मात्र हूँ। ये आप लोगों का प्यार है और स्नेह हमेशा मेरे पे बना रहा है और बनता रहेगा, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ सभी लोगों से आग्रह करना कि राजस्थानी सिनेमा में कोई भी कैसे भी काम तो कर रहा है ना, बजाय उसकी टांग खिंचाए के उसको प्रोत्साहन दें, तभी हमारा राजस्थानी सिनेमा आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज आप जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन राजस्थानी सिनेमा वही कमाई रहेगा। और ज़्यादा क्या बोलूँ, बस ये थोड़ा सा है। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी सिनेमा। थैंक यू सो मच।